तो आज हम कवर कर रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7th, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पे बेस्ड फार्मूले, मतलब फार्मूले जो यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में उनको हम कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड फार्मूलों की। तो पहला फार्मूला लिखा हुआ है क्यू बराबर एनी, इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, मतलब चार्ज जो है उसे हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, मतलब चार्ज ढाई तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन हो, ढाई नहीं हो सकता है, तीन चार हो सकता है, 4.5 नहीं हो सकता है तो 6 हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं और डेसिमल नंबर में नहीं लिख सकते हैं। उनको लिखने के लिए हमें चाहिए होल नंबर और जीरो को छोड़ के, 1, 2, 3 ऐसे ही स्टार्ट होते हुए जाएंगे, ठीक। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है? पहले फार्मूले में क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला हमारा आता है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला है कूलम के नियम का। अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ यही होता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस यानी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर है, तो वहाँ पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना है, मतलब वहाँ पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो उसे फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं जो कि है एफ बराबर के क्यू वन अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? के को हम कह सकते हैं वैद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलें तो परमेबिलिटी, इंग्लिश पे ना जाके हिंदी पे आइए। के होता है वैद्युतशीलता, मतलब कि कोई चीज़ है उसकी वैद्युतशीलता कितनी है वो कैसे डिनोट होती है। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बेसिकली जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूनिट है क्या? न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि यूनिट से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली ये क्वेश्चन या ये जो वैल्यू है किसी भी चीज़ की वो क्या बता रही है। अगर हम यूनिट नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आधा अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर परमिटिविटी कह सकते हैं, बेसिकली परमिटिविटी है, वैद्युतशीलता कह सकते हैं या निर्वात की वैद्युतशीलता कह सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी जो यूनिट है ये इसकी अपोजिट है, तो अगर तुम आपको के की वैल्यू याद है तो आप एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है उसको पलट देंगे, वैल्यू नहीं केवल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या फार्मूला है? जो ये नेक्स्ट फार्मूला है ये कूलम का जो नियम हमने पढ़ा उसका वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये, इस फार्मूले में हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है। जो यहाँ पे R1 वेक्टर -R2 वेक्टर लिखा गया ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका बेसिकली वर्क क्या होता है? किसी भी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड करना। तो यहाँ पे जो R1 और R2 है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो फार्मूला क्या है? F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R1 -R2 का होल क्यूब मैग्नीट्यूड में, और ऊपर डायरेक्शन कहते हैं या फिर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज बोले तो Q0। तो इसके कारण यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना होता है, E बराबर F/Q0, जहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और F क्या है? फोर्स, और Q0 है टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट फार्मूला है लेमडा बराबर Q/L। लेमडा बराबर Q/L का मतलब क्या है? रेखीय आवेश, जो रेखीय मतलब कि लीनियर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तीन टाइप से है जो आपको पढ़ना है क्लास 12th में। कौन कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे लैम्डा कहते हैं, उसके बाद जो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे सिग्मा कहते हैं, और वैल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे रो कहते हैं। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा वो होता है लैम्डा बराबर QL, लैम्डा बराबर QL, जहाँ पे Q क्या है? Q चार्ज है, और L लेंथ है, जो मतलब लीनियर है ये L है, मतलब कि कोई चार्ज वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वही L है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है सिग्मा, सिग्मा बराबर Q/A, Q/A मतलब क्या? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ए आ रहा है इसका मतलब ये एरिया होगा बेसिकली। तो कोई भी ऐसी चीज़ रखिए जिसका एरिया है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड है रो, ये पी नहीं है ये रो है, रो बराबर Q/V यानी कि वैल्यूमेट्रिक। अब कोई भी 3D शेप होगा तो उसका वैल्यूमेट्रिक भी होगा, मतलब जहाँ पे 3D शेप है और वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तब आपको इस फार्मूले का यूज़ करना होगा टू फाइंड क्यू या वैल्यूम या फिर रो, मतलब वैल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है 7 नंबर पे, P बराबर Q/2L, जो कि फार्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? दो पोल हों जिसके, ये दो हैं एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये कुछ दूरी पे रखे गए हैं जिनके बीच की दूरी 2L है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका फार्मूला P बराबर Q/2L, शायद ये आपको पता चल चुका होगा। फार्मूले कम्प्लीट होने के बाद अब हमारे फार्मूले स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए किन फार्मूलों की हमें नीड होगी, तो उन फार्मूलों पे हम चलते हैं। तो पहला फार्मूला दिया गया है
इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला आपको हमने बताया जैसे कि क्यू इंटू टू एल। तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करके हम इस फार्मूले को फाइंड कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोल्ड होती है डाइपोल के कारण वो दो जगह पे हो सकती है, एक एक्सिस पे दूसरी इक्वेटोरियल पे। जो एक्सिस पे होती है वो ये होती है ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे क्या होती है kp/r³। ठीक, तो यहाँ पे इनके बीच रिलेशन है एक्सिस और इक्वेटोरियल के बीच कि ई एक्सिस इज इक्वल टू -2e इक्वेटोरियल। कहने का मतलब ये है जो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 times ई इक्वेटोरियल के बराबर है और माइनस यहाँ पे ये शो करता है कि जो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 τ = PE और PE cos थीटा। अब टाउ क्या होता है, टाउ बेसिकली होता है टॉर्क। टॉर्क मतलब कोई अगर चीज़ टेढ़ी रखी हुई है ऐसे तो उसको सीधे करने का जो काम करता है, मतलब कोई चीज़ टेढ़ी है किसी में कुछ कमियां होती हैं ना तो उनको सीधा करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है टाउ। टाउ का फॉर्मूला τ = PE cos थीटा PE cos थीटा जहाँ पे P क्या है आपको पता है, P क्या है डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या है P डाइपोल मोमेंट। और जो E है ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो cos थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट पे cos थीटा लगता है, अगर P डॉट E है तो जब ये डॉट हटाएंगे हम तो वहाँ पे cos थीटा लगता है। ठीक, फिर नेक्स्ट 10th फार्मूला है φ = eda या फिर φ = e into a। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यहाँ पे फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्या है, ए है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर एक जो स्केलर क्वांटिटी है, नहीं सॉरी स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जो एरिया वेक्टर है इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है φ = e into a। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड सेल, जो यहाँ से हमारे फार्मूले स्टार्ट होते हैं ये स्टार्ट होते हैं गॉस की जो थ्योरम है उसके बेसिस पे। तो गॉस की थ्योरम का जो फार्मूला है अगर आपको वो पता है तो इन्हें, या ये जो बेसिकली फार्मूले हैं ये जो एप्लीकेशंस हैं ना गॉस की थ्योरम की उन पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको गॉस की थ्योरम्स पता होगी, गॉस की थ्योरम्स होती क्या है φ = q inside upon ε0, मतलब कि कोई अगर गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर जितना q1 q2 है वो जो होता है क्या होता है, तो हम क्या बता रहे थे जो गॉस की थ्योरम होती है वो ये होती है φ = q inside upon ε0, मतलब कि कोई अगर गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है और उसके अंदर का जो चार्ज है वो कितना होता है 1/ε0 times q inside into 1/ε0 times होता है। ठीक, तो जो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं फार्मूले वो इसी जो अप्लीकेशन मतलब जो थ्योरम है गॉस की थ्योरम उसी पे बेस्ड है। तो पहला जो फार्मूला है या पहली जो अप्लीकेशन है उनके जो फार्मूले हैं वो ऐसे हैं कुछ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्ञात करनी है किसके कारण, ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड सेल। अब सेल क्या होती हैं, सेल मतलब समझ लो एक स्फेयर, सेल को स्फेयर भी कहा जा सकता है, बेसिकली ये स्फेयर है और सॉलिड है तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल सरफेस पे होगा, यानी कि इनसाइड इसके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीरो होगा। तो हम फार्मूले याद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पे चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट सरफेस, यानी कि सरफेस पे कितना चार्ज है, तो सरफेस का फार्मूला क्या है E = kq/r², जहाँ पे r रेडियस, अब यहाँ पे 2r दिख रहे हैं ना, जो स्मॉल r है वो क्या है रेडियस ऑफ सेल और गॉसियन सरफेस, यानी कि यहाँ से हमें जो दूसरी एक सरफेस बनानी होती है टू कवर दिस सेल या दिस स्फीयर वो होती है गॉसियन सरफेस। अब इसके बारे में डिटेल से आपको चैप्टर में पढ़ाया जा चुका होगा। और E आउटसाइड क्या होता है kq/r², यानी कि स्मॉल r जो कि है गॉसियन सरफेस वो बड़ी है R, यानी कि जो ये है R इसकी रेडियस से ये R बड़ी है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बेसिकली आपको फार्मूले समझने हैं, फार्मूलों की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि फार्मूले यूज़ कहाँ पे होते हैं और इन फार्मूले का इस फार्मूले का यूज़ कहाँ पे है। अगर कहीं सॉलिड सेल दिया हुआ है और उसके बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये निकालने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें इन फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए ये फार्मूले जरूर, जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है या जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस के थ्योरम की वो ये है। सेकंड एप्लीकेशन से मान सकते हैं फार्मूला नंबर 12, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल। इससे पहले हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सेल, अब हमें फाइंड करना है कंडक्टिंग सेल। मतलब कंडक्टिंग सेल का मतलब ये है कि कोई स्फीयर या सेल है इसमें जो चार्ज है वो पूरी होल यानी कि होल सेल या होल स्फीयर में फैला हुआ है। तो अगर हमें इस
के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पहली बात तो केस तीन बन सकते हैं कि इस सेल के अंदर यानी इनसाइड फाइंड करिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सेकंड ये बन सकता है कि इसके सरफेस पे यानी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और थर्ड केस आउटसाइड यानी कि इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि कंडक्टिंग सेल के लिए अगर हमें फाइंड करनी है तो तीन केस बन सकते हैं, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। जो इनसाइड का फार्मूला है वो KQ r/r³। अब यहाँ पर जो आर है आपको दो दिख रहे होंगे, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। जो कैपिटल आर है वो है इस वाले स्फेयर की रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो जो एक अलग से हम बनाते हैं क्या रेडियस किसकी, जो अलग से हम सरफेस बनाते हैं जो कि होती है गाउसियन सरफेस। तो जो ये स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ ए गाउसियन सरफेस, और ई सरफेस का फार्मूला यानी कि ई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, KQ/r², जहाँ पे सरफेस के केस में यही होगा, जो ये वाला स्फेयर है बाहर वाला वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि सरफेस पर ही फाइंड करना हो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा केस आउटसाइड, आउटसाइड के लिए KQ/r² ठीक। जो नेक्स्ट थ्योरम का अप्लीकेशन है, किस थ्योरम का, गाउस अप्लीकेशन, गाउस के थ्योरम का अप्लीकेशन वो क्या है, अगर कोई इन्फिनाइट प्लेन चार्ज सीट है, मतलब कि कोई ऐसे चार्ज सीट है वो उसकी लंबाई इन्फिनाइट है और हमें उसमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फार्मूला क्या होता है, E = σ/2ε₀। अब यहाँ पे सिग्मा का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि जो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरियल है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा का, तो E = σ/2ε₀। ये किसके लिए, अगर इन्फिनाइट प्लेन सीट चार्ज है तो। नेक्स्ट फार्मूला E = 2K λ/r या फिर λ = 2π₀ × r। ये कब, अगर कोई चार्ज है और वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि एक लाइन में फैला हुआ है और उसके आसपास चार्ज है, तो जब हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो हमें इस फार्मूले की नीड होगी, E = 2K λ/r। और नेक्स्ट Φ = Q inside / ε₀, जो कि हमने आपको बताया ये क्या है, गाउस की थ्योरम है, Q inside / ε₀। और नेक्स्ट फार्मूला 14 जो कि बताना आपको आगे ही था लेकिन छूट गया, तो लास्ट में इसको ऐड कर रहे हैं, E = KQ/r², मतलब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कोई एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो KQ/r² होगी। और इससे पहले एक हमने आपको फार्मूला बताया था E = F/Q₀, ये फार्मूला पॉइंट चार्ज का ना होकर टेस्ट चार्ज का है, मतलब अगर कोई टेस्ट चार्ज है उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फार्मूला ये होगा E = F/Q₀। हमारे ख्याल से क्लास 12 में इतने ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनकी हमें नीड पड़ सकती है टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन या टू प्रूव डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अब इसके आगे हम चैप्टर 2 की बात अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में करेंगे, चैप्टर में नहीं। तो ये जो 14 फार्मूले हैं बेसिकली इन्हीं पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हीं पे बेस होते हैं, इसके अतिरिक्त हमें नहीं लगता कोई न्यूमेरिकल्स आते होंगे। और इसमें से जो बेस, मतलब कि जो बेस है इन फार्मूले का वो स्टार्टिंग बेस है, जो बेस के फार्मूले वो हमें याद रखने पड़ेंगे, यानी बेस फार्मूले कौन कौन से हैं। बेस फार्मूले अगर आपको ये नहीं पता है P = 2 × QL या 2L × Q, तो इसके कारण जो अप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल वाली अप्लीकेशन, दो फार्मूले याद किए थे एक्सेस और इक्विटोरियल पे, वो मुश्किल है फिर लगाना उस पर बेस न्यूमेरिकल, क्योंकि बेस फार्मूले यही हैं, अगर क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपको पी फाइंड करना ही होगा, क्योंकि जो फार्मूले में है 2KP/r³ ये है एक्सिस का फार्मूला, तो यहाँ पे हमें पी की नीड है। ऐसी एक और बेस फार्मूला Q inside / ε₀ या Flux = E into A, ये जो है ये बेस फार्मूले हैं। तो ऐसे जो बेस फार्मूले हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए, लगभग हमने बेस फार्मूले भी इसमें कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक इन्जॉय करते रहें।